यहाँ देखिए टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कैसे इंग्लिश बनाएंगे, तो यहाँ देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिसके लास्ट में, मतलब हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में क्या हो, तो ये तो पता ही हो, ता है ना, ती है, ते हैं, इस तरह की चीज़ें लगी हों तो वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये तो हो गई पहली चीज़ जो इसकी होती है पहचान। दूसरा हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इसके पहचान की बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप कहेंगे ता है, ती है, ते है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो आप कहेंगे डू या डज होता है। डज कहाँ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, मतलब ही, सी, इट और एक नाम या ऐसे कोई भी चीज़ जिससे एक चीज़ का पता चले, है ना। और डू कहाँ लगता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब आई, बी, यू, दे, है ना, या जो है दो नाम या दो से अधिक नाम के लिए क्या लगता है, डू लगता है। अभी इतना क्लियर है ना, डू या डज, और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो दो से, दो तरह का होता है, या तो क्या से शुरू हो, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बात करें यदि वो, है ना, क्या से शुरू हो, कौन, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू हो, क्या से शुरू हो, है ना। तो देखो अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब उसके स्थान पर, फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना, और उसके बाद में लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, या वर्ब की फॉर्म्स जो भी होंगी, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो डू रहेगा या तो डज रहेगा, चूंकि यहाँ फिक्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डज तब होगा जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे मैं कहूँ क्या वह गाना गाती है, क्या वह गाना गाती है, तो देखिए अभी ये सेंटेंस क्या से शुरू है, तो मतलब क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या के स्थान पर क्या लिखेंगे, क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, है ना। अब यहाँ वह सी है, वह की इंग्लिश सी होगी, तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगा, डच मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डच सी, यहाँ क्या लिखेंगे, डज सी, और गाती है मतलब सिंग, फिर इसके बाद में आ सॉन्ग, डज सी सिंग आ सॉन्ग, ये चीज़ आपका हो गया। अगर यहीं पर होता, मान लो ऐसा होता कि क्या वे क्रिकेट देखते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, चलो ठीक है खेलते हैं देखते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो देखिए अभी सेंटेंस किससे शुरू है, तो आप कह रहे हैं क्या से शुरू है, तो क्या यहाँ पर क्या की इंग्लिश लिखें, नहीं, इसके स्थान पर लिखा क्या जाता है, हेल्पिंग वर्ब, तो आपने कहा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, या तो डू या तो डज, तो यहाँ वे की इंग्लिश क्या होगी, दे, दे सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डू या डज, तो आप कहेंगे डू लगेगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू, फिर इसके बाद सब्जेक्ट दे, क्योंकि दे के अनुसार हमने डू का यूज किया है, तो डू दे। अब एक्शन कौन सा कर रहे हैं, खेलने का, तो प्ले, और यहाँ पर डू दे प्ले द क्रिकेट, क्या हुए क्रिकेट खेलते हैं, अभी समझ में आया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देना है। लेकिन मान लो क्या से शुरू हो और नहीं भी हो, अगर ऐसा सेंटेंस जो क्या से शुरू भी है और क्या लगा है उसमें नहीं भी है, उस सिचुएशन में हमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लिखना है, ये करना है। जैसे मैं कह दूं क्या नहीं खेल सकते, है ना, क्या राजीव नहीं सोता है, क्या राजीव नहीं सोता है, तो क्या की इंग्लिश तो लिखनी नहीं है, फिर देखना राजीव सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है,
तो आप कह रहे हैं राजू कौन सा सब्जेक्ट है? सिमिलर सब्जेक्ट है। सिमिलर के साथ क्या लगेगा, डू या डज? डज। तो यहाँ पर डज हो गया और यहाँ पर राजीव है ना, और फिर यहाँ पर नॉट अब लिखेंगे। हमने क्या बताया कि अगर क्या के साथ नहीं भी आ जाए तो ऐसे डू या डज के साथ नॉट नहीं लिखना है, बल्कि उस नॉट को कहाँ लिखना है, राजीव के बाद, मतलब सब्जेक्ट के बाद लिखना है। तो डज राजीव नॉट, और एक्शन कौन हो रहा है, सोने का, तो स्लीप। डज राजू नॉट स्लीप, समझ में आया? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप नंबर वन है, जिसमें आपने क्या देखा कि अगर वो क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, बल्कि उसके स्थान पर क्या लिखना है, या तो डू या तो डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सबसे पहले डू या डज लिखना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद देखना है कौन सा एक्शन हो रहा है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर को लिख देना है। अगर नहीं भी आ जाता है तो क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ में तुमको भी नहीं, इंग्लिश नॉट लिख देनी है, बस इतना सा, सिंपल सा, क्लियर है ना।